अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम से गड आवाज़ रहा तारा जड़ मुसा गड है सिकंदर उलियो। असा के जॉइन किया स्टूडियोज में जनाब नसीर मेमन साहब एज अ गेस्ट। नसीर साहब भलीकर नाज़रीन, अस ही प्रोग्राम जो अज शुरू कर वनू पा यो है इंदर चूंड के हवाले से। अस चाहूँ था अस नाज़रीन ताई जो सिंध वासी उन्होंने अस मुख्तलिफ़ असा जो तजिया निगार दानिश्वर सहाफ़ी आन सियासतदान उन वसीले असा यो पैगाम पहुँचाऊँ तो इंदर चूंडन में सिंध की एजेंडा होजन खपे, सिंधी मानून की एजेंडा होजन खपे। उन गडियल अस चाहूँ था को मौकफ़ अस रखूँ सिंधी मानून के सामू एकड़ी एजेंडा हो जैसे सभी धुरन जो इतफाक़ हो खास कर उ धुर जो सिंध दोस्त धुरियन जो सिंध लाइ सोचन थी इन हवाले से ही असो जो कोई प्रोग्राम स्टार्ट क्यों पाया। नसीर मेमन साहब मेहरबानी कई असा जो असा जॉइन किया अन। नसीर साहब चूंडू हाँ बिल्कुल मथे थे चूंडन के हवाले से जाहिर हुकूमत भी तैयार करे पी, इलेक्शन कमीशन करे पी, सियासी पार्टियों हाँ मैदान में अचन पुं, कुछ इल्ज़ाम प्री पोल रिगिंग जहाँ तो तरक्याती स्कीमू नौकरियों घणी शन पर असाजी तैयारी जो सिंधी मानू हूँ लागी तो पंज साल असा दिठो सिंध जहाँ मू चवंदा रहा तो पीपुल्स पार्टी के अस मैंडेट दींदा आया सेवेंटीज का वी अज तई उन दौरान पीपुल्स पार्टी असा न पर जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हयात हुई तैसे ही सिंधी मानू के वही उम्मीद होंगी तो कुछ भी पे पर सिंध के मफादन जो तहफुज ज़रूर थी। पर इन पंज साल दौरान तमाम घनी किराए थी है सजी सूरत हाल तवज सामू है असा भी सामू है तो हाँ नयू चूडू अचन पो तो उनमें असाजी सिंध के मानून की एजेंडा होजन खपे बो जो ये मुख्तलिफ़ पार्टियों मुख्तलिफ़ तंजीमों हाँ तुम दिखो लोकल गवर्नमेंट से भी इतिहाद थो तो इन पार्टियों जो माजी वो भी कैंसा गुजो को माजी में उसे कहीं रो तो ओवरऑल असा हाँ कड़ी शूं सामू रखन खपन इंद चूडन के हवा से। मेहरबानी अता ढे अहम मौजू से तुम ये गाल बोल रखी है खुशी है सिंध एजेंडा के हवाले से सिंध टीवी न्यूज़ एक डिस्कशन शुरू किया। आई एम श्योर तो बाकी जो समाज में बया मू वेठा उ भी डिस्कशन के हाँ उनमें इंस्पायर थी इन प्रोग्राम के डिस्कशन के अगत बधाइंदा। बटे शूं इंदर चूंड के हवा से डिफरेंट आन जो पास्ट से कंपेयर कर तो अग में आखिरी चूंडू जो थियं से सही माना में जो चूंडू जैसे चेजे से वही थी 1996 में सही उन खा पो तो खबर है डिक्टेटोरियल रिजीम हुई सजो ड्रामा पे हल्या ती माना तो हि घट में घट 16-17 साल वक्फो आ आखिरी इलेक्शन के दौरान इन दौरान कुछ शूं जो सिर्फ सिंध कंटेक्स में ऐसा पाकिस्तान कंटेक्स तो तमाम घो बदल 9/11 पे थो ग्लोबल कंटेक्स बदल बिल्कुल पर जो अस जूम इन क्यों सिंध से तो बटे शूँ ढी डिफरेंट है एक तो 1977 का पोए पहरियों भेरो का पार्टी का हुकूमत इंदड़ इलेक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस ते कंटेस्ट करण में सही 77 का पोए जितनी भी इलेक्शंस थियूं उनमें मुसलसल जो हुकूमतू डेढ़ बिन साल में टर्मिनेट थींदियूं तें करे सिंपथी वोट ते जोर हुंदो त असां सां ज़ुल्म थियो असां खे कढी छॾियो असां जी हुकूमत ड्राए छॾियो असां फलाणा इनकलाब आंदा पे हिन नारण दिना सही सो यो एक वो अरसो आ लगभग 35-40 साल अरसो पर 2002 वो याद है ना उन असेंबली टर्म पूरा उनमें वजीर आदम चेंज थींदा रहा पर 36 साली हुई दिसो उन दौर में परफॉर्मेंस बेस से हुकूमत वोट वठण कोन पई उन मथा एक बी छत्री हुई उन छत्री के अंडर उन वोट की मैनेजमेंट पे थी असा जर प्योरली चूं तो का जेन्युअनली इलेक्टेड गवर्नमेंट रिलेटिव टर्म्स में हाँ जेन्युअन जो अलग केतरू डेफिनेशन हो पर पाकिस्तान के गिवन कॉन्स्टिट्यूशन में जै पो जो मुद्दो पूरा करे बी इलेक्शन में वोट कें भी हमदर्दी सेंपथी लाश तस्वीर फोटू ए नगमे से गड या वो खणदा सब पार्टी खणजूँ उन गड परफॉर्मेंस के बेसिस से उन्होंने ालो पव मूँ से मूँ उन्होंने एक नुकतों परफॉर्मेंस जो ईंदा 90s में चार भेरा या जितनी भी इलेक्शन्स थियं उन्हें सिंपथी वोट होंद हो उनमें परफॉर्मेंस की गाल एतरी थी को सी परफॉर्मेंस ऑब्स्क्योर थी वी हुई बिल्कुल एक फैक्टर न हुआ बो फैक्टर त पहरों भेरों सिंध में नेशनलिस्ट पार्टीज प्रॉपर वे में अगेन रिलेटिव टर्म्स में तो चवान कें इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में वन पी
इन अग में छिड़ विछिड़ तरीके से वही अणसिधी मदद कई अथन सिंधु कौमी इताद ठो जो कुछ भी थो पर इं एक कंसोर्शियम की शिकिल में एक अलायंस की शिकिल में जो नजर तो अचे तो शायद वन यो नो तजुर्बो हों एतरन साल में इन अग में नैशनलिस्ट पार्टीज इन तरह की मूव न कई है वह मेच्योर थे थी न पर डेवलपमेंट नजर थी अचे टों फैक्टर जो इंपॉर्टेंट आ तो लास्ट इलेक्शन जैसे 96 में थी हिंसर 13-14 साल बल्कि 13 साल इन 17 साल थी उन दौरान एक अर्बन पेरी अर्बन बेस्ड स्ट्रांग सिंधी मिडिल क्लास इवॉल्व थी मिडिल क्लास जहाँ जो डिस्कोर्सिस सवाल जवाब उन रिवायती सवाल जवाब का चौथों अहम फैक्टर जो हाईलाइट करना चाहेंस तो हिंसर पाकिस्तान में या टिपिकली सिंध में एक तमाम स्ट्रांग एंड वाइब्रेंट मीडिया एग्जिस्ट थी करें ये चार पड़ा फैक्टर जिन 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 करे पास्ट का शिफ्ट अची सके तो जरूरी ना तो अचे पर मैं वे फैक्टर पे शेयर क्या जो इंट्रोड्यूस थे सोसाइटी में हाँ इन सभी फैक्टर्स जो इलेक्शन की पूरे कैंपेन से असर पड़ो हाँ वापस अचूँ तो इन सीधे एजेंडा हो पर नसीर साहब इन अगम थोड़ी बी मथा गाल पुछन चाहिए तो यो पाकिस्तान में इलेक्शन जो ट्रेंड रो है सिंध में भी तो का भी पार्टी एकड़ो दफो इकदार अचने का बीहर न आई है हाँ समझो तो इन वक्त जो गवर्नमेंट आ पीपल्स पार्टी की तो बीहर उन चांसिस केतरा थी सकता हाँ ये अलग सवाल थी तारे सवाल से कमेंट कड़ो तो यो नॉर्मल प्रैक्टिस अस जन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खास तौर पर जिते उसरंदर जमहूरियतू हैं जिते इलेक्शन की डायनामिक्स बाकी पॉलिटिक्स का अलग है बाकी दुनिया में इलेक्शन की डायनामिक्स फॉलो कंदी है बाकी सारी पॉलिटिकल पिक्चर के इतने इलेक्शन की डायनामिक्स अलग होंगी सही लख सवा लख मू नेशनलिस्ट बाहर आने वा सी सिंध ब्लॉक कर छा बेहतरीन हड़तालू कराए छींदा नेशनल सेंटीमेंट के हाइट से खड़ी वोट न वी सकता ठीक है पीपुल्स पार्टी से सख्त एतराज हूँ नफरत की हद तई मू हलिया वा इंतहाई जो मूल सख्तगी रवैयो अख्तियार कर वोट पीपी के जन पहुंची वा छो तो इलेक्शन जो डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट आ सोसाइटी की बाकी पॉलिटिकल स्ट्रीम का अलग रही है अस जन उसंदर जमहूरत में जिते खास तौर पर ही ठहन था अलायंसिस था ठहन हुकूमतू अकेल न थी ठहन चार पार्टियों गर थी ठहन उत्ते लामाल तौर पर जी धुर इकतदार में अचे थी वह क्रेडिबिलिटी लूज थी करें रुगो बहर फैक्टर एकड़ा तो हूँ चाहबो तो बाबा फलानी एजेंसियों न थी हलन दियन एस्टेब्लिशमेंट जो रंडकून से भी पर उन सा गद जे उन कंसोर्शियम्स के अंदर जो अंदरूनी टकराव हुकूमत की कुर्सी बचाने के चक्कर में ये जो तुम मफाहमत बुध पाया उनमें जी धुर रूल करे थी वह सब का सरेंडर्स थी करें रोज कें न कें धुर के खुश रखने के चक्कर में तेरे उन ग्राफ हेठ सो वे तेरे पीपुल्स पार्टी के उम्पथी उ रेस्पॉन्स डिफरेंट डेफिनेटली को मिली सो जो 2008 में मिलो 2008 में बेनजीर की शहादत या जख्म ताज़ा हुआ शायद इन कर पीपल्स पार्टी नसीर साहब सिंध के अंदर या मुल्क के अंदर की नई कोशिश कई है तो जो इलेक्टेबल्स आ या जो मोरा या उ घोड़ा जो भजी पे सकया या भजन की सग रखा तो सजे मुल्क में वो कट्ठा करने के चक्कर में नसीर साहब गाल कई हाँ 88 का वी डो तो उत सियासी तौर हुकूमतू शहीद थन्द रही पर जहाँ हुकूमत वही हाँ उनके यो एडवांटेज भी हो तो वक्त का अग घर भेड़ो किया मुख्तलिफ इल्ज़ाम जो भी है पर वह आवाम वरी भी आई तो असो ट्रम्प पूरा कर दिनों वो यही सब कुछ थो पर अस उन फौरन जो चूनू थी उनमें वह जो पार्टी आ इकतदार में न अची सकी वही अपोजिशन की जी पार्टी तो इन सूरत हाल में जैसे पीपुल्स पार्टी 5 साल पा पूरा पी कर अड़ो को उन्होंने सियासी शहादत को यो लगे तो नो तो वही पीपल्स पार्टी बेहर इकतदार में तो फर्क कड़ो थो 90s जी जो इलेक्शन्स हूँ उन पुठियां मैन्यूवरिंग जो स्ट्रांग धुरू कराइंद अग जित मजबूत हाने को शायद उन किस्म की मैन्यूवरिंग न थे बो कुछ मसलो थे बी का हरकत थी वे तो बी गाल पर हूँ जो मथा का डिसीशन जो बैलेट बॉक्स वे फरिश्ता भरी जै स्केल की मैन्यूवरिंग थी वह हाँ हाँ इन किस्म की जो पुियाँ योजना डॉलर जहाँ खदान जहाँ मुँह खुलंदा उ शायद हाँ ये न थी सकन पर इलेक्शन के इंदड़ इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी इंदी या न इंदी हाँ यो तो हतमी तौर चवण दुख्य है पर जो ट्रेंड्स मिसाल तौर ऐसो एक गाल तय तो सिंगल पार्टी रूल हाँ इन मुल्क में मुख्य नियर फ्यूचर में थी नजर को धुर इंदी वह अलायंस से कें कें मफामत की कें कें ठा की केतरा दे वठ में पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो अलग कल्चर आ
पीपल्स पार्टी के बटे चैलेंजेस आ कत नजर जे ते इंदी नई दी की इंदी का हटी करे गालिया दा कनो के बटे चैलेंजेस आ 2008 जे वक्त हुन के एकलो तमाम बड़ो एडवांटेज हो बेनजीर जी शाह बिल्कुल ठीक आ बियो तमाम बड़ो एडवांटेज हो त 10 साल पीपल्स पार्टी मुशरफ जी जका एकलो डिक्टेटोरियल रिजीम हो उने जे खिलाफ मानु सा बिठी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोस्चर पीपल्स पार्टी जो दाडो स्ट्रांग हो उन दौर में हियर बेनजीर भुट्टो जी शहादत वारो एडवांटेज को ने पुठियन पंजन सालन जी परफॉर्मेंस इंतहाई खराब आ वरा उन परफॉर्मेंस के ब्लैक एंड वाइट में चाहण बिन हिस्सन में था जो मैक्रो लेवल जी परफॉर्मेंस आ जैमें कानून साजी आ ये जो मथियां कदम वह तो शायद काफ़ी बेहतर है नस्बतन बेहतर है सदर पंजाब पावर पार्लियामेंट के दिना ये शूँ जो अरड़ी तरमीम पा इम्प्लीमेंट नी थे उन सौ बया भी रीजन्स मैक्रो लेवल से कानून साजी आतुन के हवाले से कानून साजी थी है लेजिस्लेशन के शी सुछ पर जो मूल स्ट्रीट में बीठो आ उन डेमोक्रेसी उन गवर्नेंस जो आम मू स्ट्रीट में आए उन गवर्नेंस है सुठी तलीम सेहत तहफुज सब का वही गाल तहफुज बचा खपे थाने का बचा खपे स्टेट के एजेंसीज का बचा खपे टेररिस्ट का बचा खपे धाड़ेल का बचा खपे बो मू डेवलपमेंट दिसण चाहन था को रोड रस्तों ठही वे ये जो आम किस्म के मूल वेचार घुर्ज है जैसे मोटरसाइकिल सीधी थी हल इन पैमाने से खड़ो तो पीपुल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इंतहाई खराब है पीपुल्स पार्टी के समूरन इतिहादन की परफॉर्मेंस भी खराब है सिवाय तोड़ो घो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पख्तूनख्वा बेहतर नजर इंदो एजुकेशन में तक पख्तूनख्वा बेहतर नजर अचे तो फाइनेंशियल करप्शन में उतई खराब हैं बलोचिस्तान टोटल बेड़ी बुनल सिंध का भी वधिक ऑनेस्टली खराब हालत में असा उत कम कंदा रहा हूँ पंजो समाजी हवाले से घो मां वहां तो उत तो तमाम खराब हालत हाँ जो ना सिंध के अंदर सिंध के अंदर ब चैलेंजेस हाँ पीपल्स पार्टी के एकड़ो तो यो सर्विस डिलीवरी जो पासो आ उन हालत यहाँ है तुझे सामू आ 4,500 रुगो हुड़ी में मरी था वन सही रुगो वैक्सीनेशन ठीक नी थे हाँ सुन बिहार पर इमदाद से थी जैमें का इन रॉकेट साइंस का ईजाद करनी करप्शन पर उन लाए तो वरी जवाब यो ता दन पंजाब जते ता गवर्नेंस बेहतर जबरदस्त ता चो शरबत में मानु मरी था या डेंगू में मानु मरी था त इया जस्टिफाई थोरै तो करे त फलाने हंद खंग जे सिरप सा मानु मरिया ता करे असा टोडी में जरूर मर सही या त का जस्टिफिकेशन कने का ये ना पो ये पो त कंपेयर कजे पो एक के छै ते कजे पंजाब जा स्कूल वधिक सुठा था लन असा सुठा ना था लन सेक्टोरल कंपैरिजंस कोन थी जेका गलती तवा जी आ वा इने करे नढक भी त फलाने भी कई हुई या जस्टिफिकेशन कने का सर्विस डिलीवरी जी क्वालिटी या है साई लाड़काने सा बिलोंग तो करे मा 4 महीना लाड़कानो दिसी आयो 22-23 रुपयन जो मा एकडे लाड़काने जो मिसाल तो खणा जो शहीदन जो शहर आ जो सिंध जो पॉलिटिकल कैपिटल आ अदरवाइज बिल्कुल इन पार्टी जी हर्ट लैंड आ 22 रुपयन जो चाहन था पैकेज दिनला लाड़काने जी के शक्ल वनी दिस आ ता कंपेयर कयो मुल्तान के यूसुफ रजा गिलानी सा बिया सौख तलाफ रखूं पर मुल्तान जी जका शिकल पंजन साल में थिया लाड़का तमाम बेहतर मतलब तमाम फर्क आ साईं मुल्तान ने नक्शो न तब्दील करे छो बाकी सजी सिंध के छड़ियो सी जन लाड़कानो जको तां जो दारुल खिलाफा हो जण गुरजे जकर उन जो यो शहर बाकी सिंध जो शहर चाहंदो हर सिंध जे शहर मा निकरो नका नाली सिदिया नको रस्तो सिदवा पूरी हिकड़ी बर्बादी जो मंजर आ बोदुन खां वधिक सिंध के करप्शन बर्बाद करे छड इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विस डिलीवरी पंज नोज ड्राइव ते इंतई खराब हालत आ मेरिट जी त एड़ी बर्बादी पूरी मेरिट जी पीपल्स पार्टी सदाई बर्बादी कंदी आ या पर धजियो जे को उडाइना न हियर जो को नाहक हाने हाने सीएम साहब छे तो लख नौकरी सारे न्यू है यानी एक खिल जोगा दलील है हाँ। लख नौकरी त ओबामा 30,000 नौकरी दे सदर थियो हर केर जकर सीएम सिंधो ई बलोचिस्तान जा चीफ मिनिस्टर साहब जे के स्टेटमेंट सा जन ये बुधण का वो दुनिया खलंदी न छा कदी सही सो इन सजे कंठे पर पीपल्स पार्टी के इन वो चैलेंज भी हुआ सिंध जहाँ मूल शायद यो करप्शन भी बर्दाश्त कर वा नौकरियों न मिलियो या मेरिट ते न दिन यो भी बर्दाश्त कर वा सब का वो पीपल्स पार्टी का क्वेश्चन आ सिंध जहाँ मूल समझन था तो उन सिंध की वहदत के विञायो यो इंतहाई हसास सियासी सवाल आ सिंध लोकल गवर्नमेंट जो जो एक्ट है ओहो वन यूनिट का वधिक खतरनाक है सिंध टाइम था ब्रेक जो इनके डिस्कशन के जारी रखना नाज़रीन हलूँ था साइड आ गड रहो नाज़रीन प्रोग्राम में बेहर भलीकार नसीर साहब तुम गाल कई तो बेड गवर्नेंस पैंजी जाए थे पर पीपल्स पार्टी जो लोकल गवर्नमेंट आने वो निज़ाम आने सिंध की वादत
के जो को नुकसान पहुंचाया है उन्हें था पीपल्स पार्टी के अधिक नुकसान रसन इंदर चुंडन में पीपल्स पार्टी हाँ तुम दिखो जैसे एमक्यूएम ताहिरुल कादरी की लॉन्ग मार्च की हिमायत जो ऐलान किया तो उन वक्त पीपल्स पार्टी वा बयान दिना तो असमें तरमीमू था करूँ को इन किस्म जो मूव हली पर वो माठार थी वही है तो तुम ना समझो तो जैसे इलेक्शन का अग में असेंबली में मुद्दों पूरा थे अग में जैसे पीपल्स पार्टी कंपनसेट करे थी इनके तो उन को फर्क पवो ऐसो बटे गाल हि जो चन पाया तो अमेंडमेंट था क्यों पैं गाल तो तेजे समूर वजीर काबर जहाँ बयान पढ़ो तो चवन तो बबा हि कानून तो अड़ो सहीफो आ एडो शानदार इन तनकीद कह पढ़ो ही को शे खराब है ही को मुझे समझ में नो अचे बिन हफ्तन कड़ी खराबी नजर आई जैसे कमेटी ठही वही हि सिर्फ एक पॉलिटिकल शोबदेबाजी हुई एमक्यूएम के प्रेशराइज कर एमक्यूएम हि सी पॉलिटिकल बार्गेनिंग जहाँ टैक्टिक्स हैं मानों के बेवकूफ बनाने जो तरीको एमक्यूएम प्रेशर में निकती नसी साहब तो वरी अचानक वो मामलो वो थियो केसन में घुर्बल जो मानू हा उहे आजाद थिया पूरी सौदेबाजी की बी स्ट्रीम हलंदी तो वही गाल अजमल पहाड़ी जो मानू आजाद कर जैसी असा तक खबर न होंगी पोया अलाय केतरी कास्ट सिंध भरी इन लॉन्ग मार्च का हमरान के अलग थियण की वो असा शायद खबर भी न होंगी जेकर यो कानून एडो सुठो हो एडो बैलेंस्ड हो तो एमक्यूएम के सरबराह के खुद छो जरूरत पई तो यो कानून रिवर्स थे सूरत में इवन सिंध विरण की गाल कई तमाम कई छो तो अज तमक्यूएम देखा के तौर पर एमक्यूएम की क्यादत सिंध विरहांगे की गाल न कंदी हुई नियत कुछ भी हुजन पर चवंदा न हुआ हि पर्यों भेरों थो जैसे इन्हों यो बर्दाश्त न थो ती माना तो यो कानून उन्होंने ख्वाहिशन एतरो तो पूरा लहे तो उन्होंने मर्जी से एतरो तो ठहकंदड़ जेकर एतरो ही ठहकंदड़ है जैसे हटन से चवंदा असं सिंध विराय छंदी बिल्कुल तो तीन माना इन कानून में कुछ तो है ना पीपुल्स पार्टी एतराफ़ करे थी या नी कर पर कुछ तो है सो यो सजो देखा हो कंपनसेट किथा कंदा तुम बुधा आइनी तरीको है एक एक्ट असेंबली में अप्रूव थियल उन्हें जब अमेंडमेंट थी हाँ वो असेंबली बिल्कुल हाँ असेंबली में पीपुल्स पार्टी वी स्ट्रेंथ है या एतरी स्ट्रेंथ हुजन एतरी हिम्मत कंदा जेकर एतरा बाहिम्मत नहीं सिंध जहाँ सजन हुजन तो अड़ो एक्ट अचे ही ना बिल्कुल सो मुख्य का भी उम्मीद कान न पर नसी साहब तुम यो किसो तो हि जो मियाँ साहब वो हाला में जलसे खिताब किए उन्होंने चो असेंबली में सुबह अस आयासी या असि एक्सीडेंट सिंध में आई तो लोकल गवर्नमेंट जो लॉ चेंज कहीं ऐसो इलेक्शन का अग में तो समझो हि जो नेक्स्ट सिंध आ पीपल्स पार्टी का मायूस थे तो किथे उन क्लब में तो न हली वी पीर साहब का गली हि कानून चेंज थी वापस थी या नो इन तयन कही सिंधी मानू की सियासी ताकत हाँ तक सच तो बुदा जेकर सिंधी मानू सियासी ताकत जो बदी जो अकलमंदी जो मुजाहरों कंदा तो थी सो पर जो इं अला आसरे से छड़े दिनोसी तो हि तो कहो तो शायद को धुरी होंगी उन्होंने सियासी मफाद है अज फंक्शनल लीग या नवाज शरीफ साहब इक्तदार का बाहर वही जितियों गालू कन इनक सिंध परस्ती पीपुल्स पार्टी अपोजिशन में दिखारी यो भी नो चाह न कंदा थी सो तो कर छे पर इन गलत फहमी में अस ना रही सकूँ तो हि इंदा तो कर छींदा न पर मुस्तबिल जो हाँ ऐसो इलेक्शन हाँ नतीजा कड़ा अचन था पर एक जो नज़र थोड़ो घो अचे पो तो जहाँ भी दुरी पीपुल्स पार्टी है ठीक है उन्होंने तो यो कानून पास किया वरी अचन था कन ना कन वो तरी खबर पवी फंक्शनल लीग उनका गड बे इतनी दुरी नेशनल पीपुल्स पार्टी है मुस्लिम लीग नून है वे असेंबली में अचन पर हुकूमत ठाने की पोजिशन में जैसे कि इन वक्त लगे ये तो एतरी मेजॉरिटी उन्होंने सिंध में को मिली जो अकेले से हुकूमत ठाए सकन पर नतीजे तौर या तो उनके एमक्यूएम से गड़ी हुकूमत ठाणी है या वरी पीपुल्स पार्टी से गड़जंदा तो इन सूरत में जैसे एमक्यूएम से गड़ी ये हुकूमत ठाइंदा तो इन पोजिशन में होंद तो यो जो पीपुल्स पार्टी न कर सकी एतरी स्ट्रेंथ मौको पे रखने स्ट्रॉन्ग सुबह रखी सो अगे 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 एलाइज तौर जो धुरियों जन इक्तदार का बाहर हों तो वो सिंध परस्त बिल्कुल अच्छा थी सो तो हुजन भी कहीं नियत के अंदर वही दिखो ना थी सो हुजन थी सके तो कन पर एक्सपीरियंस के बेसिस से बुधा तो इक्तदार का बाहर भी ये गाल आसान इक्तदार में अची कर पीपुल्स पार्टी बुनियादी तौर पर सिंध के गिचे में घट वी छो थोड़ी भी साझा हो अला अकुल दियाँ तो अड़ो कम कनी ना जैसे रिवर्स कर उनके आण का वधिक दुख्य इन किस्म का कानून आण शारे दुख्या को वापस करें तुम बिल्कुल बो ती जो गुजारिश कई तो हुकूमत में केर इंदो कैंसा इताद ही
जेकर सिंधी मानू सियासी ताकत जो मुदारो कर सियासी ताकत के वायलेंस से नो कनेक्ट क्या सियासी ताकत वायलेंस का अलग शे तिठो त 48 कलाक 72 कलाक 48 लाश रखियो वेठा एक तिली भी को बारियन या सियासी ताकत हुई सही या गलत आ सुठा इन खराब इन माने बास में नथो वणा तमाम न्यू पावर कालाबाग डैम को सा मौका या कालाबाग डैम या यो या पर हाने उन में फर्क यो आ जेकर सिंधी मानु जी जका ही लीडरशिप वेठी हाने इहो मा चांदो त सिंध जा मानु जैनी वोट खा अग में सवाल जी रिवायत विजन पुछाने जी रिवायत विजन ही सब सीधा थी विंदा बिल्कुल वह पीपल्स पार्टी होजे वह मुस्लिम लीग फंक्शनल होजे वह सिंध जहाँ कौम परस्त हि सिंध से वेसागाती एडी सवली इन करे थी पई आ जो असा वट बहस से मजमू पुछाने जी रिवायत आहे कान सिंधी समाज के बहस से मजमू एकड़ा रवैया चेंज करना पवंदा हि जगह गाल थी न नयु पार्टियों ठन अल्टरनेट अचन मुतबादल थियन ये तमाम इंपॉर्टेंट पर मुझी नजर में फंडामेंटल चेंज अचन खपे सिंधी समाज पुछाने दा वने सही कंखे तो वोट जे ऑनेस्टली माने में इंटरेस्टेड एतरो अजा कोन आया ताखे दे मुखे दे नवाज शरीफ के दे पीर पगार के दे जंखे दे पर मशरूत वोट जे ए पुछाने दे ला बेहतरीन मौका ने इंदर इलेक्शन इंदर इलेक्शन हि जका एक्जेक्टली तो पिसनी मानु पुछे उनन का जका भरु अचन तो इलेक्शन वक्त पुछे ए पो ही सब मानु ईदन ते जलसन ते कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बचन था बिल्कुल ये इनन का पुछानो 24 कलाक जो कम आ 365 दिन ईयर जो कम आ इनन के वोट दे वरी 5 साल जो वेट नथो कर सके सो जेकर सिंधी मानु सवाल जाबारी रिवायत विजन सवाल रुगो यो तो थे सई मुखे फलाने के ठीको कोन दने सई नाली पक्की कान थी सिंधी मानु जैसे इन नौकरी कोन फादर खान निकरी आ या मोबिलाइजेशन करे सकन छु सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज उनन वटी यो पोटेंशियल आ तरह सा गाल पे कई त इंदर इलेक्शन जे लाए जेकर असा सिंध एजेंडा के ठाए मेन स्ट्रीम कयूं ब चार महीना मौजूद हैं त मानुन जी वट एको मैसेज वने त इंदर भरे इलेक्शन जी कैंपेन जे दौरान सवाल ब्या थी दहाण वो भी कन भली नौकरी जो भी कन पर आखिर मानू केड़ा वन नौकरी जो भली पुछन घिटी पक्की थे जो पुछन नाली थे जो पुछन पर गत पुछन मतलब आ डिलीवरी सा गडो जो सिंध जे वद त सिंध जे इकाई जी गाल तमाई मफाद उनन जे बारे में पुछन एजेंडा उन में एकड़ी उन एजेंडा ते डिबेट छन घुरजे उन में बिन किस्म जा पार्ट थी सकंदा एकड़ा वो जे के सिंध जे सियासी सकाफती मुस्तकबिल सा लागा पेल मिसाल सिंध जी ज्योग्राफी वद ठीक आ सिंध जा जे के सकाफती राइट्स आ ठीक आ सिंध जा रिसोर्सेस ते राइट्स आ जी मुआशी वो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है ठीक आ एकड़ो एजेंडा जो पार्ट ही है बियो एजेंडा है सिंध में कलेक्टिव इंटरेस्ट वाली सर्विस डिलीवरी 11,000 प्राइमरी स्कूल बंद है बंद है इनका वधिक खतरनाक जेनोसाइड कड़ो थिंदो कनेक्शन जो 400 उड़ी में मरी वन असा तड़पूँ था जायज तौर अस तड़पण घुर्ज पर जैन ही 400 स्कूल न वन ये उड़ी जथा मरण का खराब मौत मरंदा खुदा न खास साहेबा जैं मुआशर 21 सदी में सो बियो एजेंडा जो पार्ट यो जन घुर्ज एजुकेशन हेल्थ बेसिक सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सवाल है फ्यूडलिज्म की खत्म थे जका लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चेंज सिंधी सोसाइटी सा सब का वो इशू है फ्यूडलिज्म ओवरनाइट खत्म कौन थी दो असा खबर है ओवरनाइट खत्म न पर नसी सा उनो जो मैकेनिज्म की हो जे ता गाल कई 70 का वटी सिंध जे अंदर पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन में लार्जेस्ट पार्टी तो उभरंदी आई है इवन 2002 में 8 में कॉम्प्रेसन के जितां चो वडा जलसा थंदा सपोर्ट बुझे थी पर उआ गाल जका जको पॉपुलर पॉलिटिक्स आ उआ वोट जे अंदर टर्न नथी थे इयो एकड़ो गैप आ उनके की मतलब एजेंडा तौर मानू सिंध जो मानू की रखे उम्मीदवार से की मिले जो उनके छो जो हू समझे तो उनके वोट जो हकदार को बो आने हकन की गाल को बो तो करें दिसो इन्हें में ब पहलू आन एकड़ो पहलू यो आ त नेशनलिस्ट मूवमेंट जेका सजी जा सजी हियर ताई वहा पार्लियामेंट जे सजे कम से अमल से कनेक्टेड कान हुई पार्लियामेंट जे बजाय वो क्लियर हुआ नेशनलिस्ट अजू क्लियर आन तो बाबा असा जो मकसद आ डैम न ठे असा जो मकसद आ धारी आबादकारी न थे डेमोग्राफी चेंज न थे उन्होंने स्लोगन एक्टिविटी हुई मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी हुई पर उनके उन्होंने कदें भी वोट घुरण से कनेक्ट किया ही को तदें मां चाहें तो नेशनलिस्ट फर्स्ट टाइम कें प्रॉपर वे से इलेक्टोरल प्रोसेस में वन पाया हाँ उन्होंने मौको है तो वो जो मोबिलाइजेशन कन था अगे नेशनलिस्ट पेनल्टी कान ठाईंदा हिट हण ला घुराइंदा पीपल्स पार्टी के सही बिल्कुल तें करे हाँ उन्होंने तय करो पवन तो असा पेनल्टी कान ठाईंदी हिट अस हणंदी वह वे कें बे बाल रखी को तू अची हिट गोल कर हाँ यो एकदम से तो कोई पर्यों भेरों इलेक्शन की कैंपेन में वन वा वसीला खपन इलेक्शन कैंपेन क्या हल्ज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्यों है पूरी साइंस आ नेशनलिस्ट पार्टीज के सीखनी पवी जनरेशन थी घुर्ज ट्रायल्स उनमें एकदम से कोई पर फर्क हाँ का फर्क सीटों के नंबर की शिकल में शायद न अचे पर बया इंडिकेटर्स
हर सीट से मुकाबला वडेरो हों घट खराब वो खराब मिडिल क्लास की पार्टीज की एंट्रेंस कान कलेक्टिव इंटरेस्ट से कैंपेनिंग थी कान सवाल ये असा शहीद कर छूँ अस कायद ही फांसी दिन अफाल केर को बुधाई सामू वो भी यह गाल तेरे हाँ सिंध के इंटरेस्ट इलेक्शन कैंपेन जो पार्ट बनो मानू सवाल बी दौर में जब बीहद नेशनलिस्ट तो को बुधाइंदा तू असा फलाण शहीद कर वोट वो तो गाल सिंध के कलेक्टिव इंटरेस्ट तेरे कर सिंध जो कलेक्टिव इंटरेस्ट इलेक्टोरल कैंपेन में मेन स्ट्रीम थी यो वो फायदो थी न पर मियाँ नवाज शरीफ की एंट्री उन कौम परस्तन इतिहाद खास कर हाँ सिंध बचाओ कमेटी जो कन्वीनर है जलाल महमूद शाह उन पार्टी एस यू पी वह इतिहादी है मियाँ नवाज शरीफ की अस हमेशा कौम परस्त ये चुक रहा या उ धुरियों के सिंध ला सोचन थी कदम पीपुल्स पार्टी के कुलन चाड़े इक्तदार में पहुँचाइन थी वरी जैसे पीपुल्स पार्टी का नाराज थी तो वही बी पार्टी तो उन पैंजो जो तुम गाल कर पाया तो पैं स्ट्रेंथ दिखारेन खबर पे तो केतरे पानी में तो उन लाइ तो मुझे ख्याल में नवाज शरीफ जो वरी उन वही भरजला तो यो फायदो को मुझे ख्याल में रीजन्स हैं एक तो जो गुजारिश की तो नेशनलिस्ट पे इन प्रोसेस में वन पाया उन्होंने अना एतरी डीपर स्टैंडिंग कान्ह का सोसाइटी के अंदर इलेक्टोरल कैंपेन में उन्होंने अड़े किस्म जहाँ अलायंसिस ठाणा पवाना एकड़ी गाल समझी छो तो नेशनलिस्ट जी नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हुआ इं ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिहेव कह पॉसिबल को उनकी डायनेमिक्स ढी डिफरेंट है वो हाकी तो वो क्रिकेट आ सही उनका लवाजमत बिहार बिल्कुल ठीक है न पक्के राग ए डिस्को राग में फर्क थी तेरे ये तुम ये न समझो तो मेडोना आबदा परवीन की भेट न करो ता हि स्ट्रीम डिफरेंट है पिच डिफरेंट है सो इन में तो अलायंसिस ठहंदा अज नवाज शरीफ से ठाइन सुबह कें बे साइंदा पीपुल्स पार्टी से वाली गाल जैसे वो नवाज शरीफ से इतिहाद था कन सिंध के अंदर कौम परस्त या अड़ी आज़ाद धुरू तो उन्होंने एकदम एंटी सिंध वो हि कालाबाग डैम बिहार टी एजेंडा उन्होंने गिचे पजी थी वे जैसे कर सिंपथी वोट आ वो वही फ्री गिरी पीपुल्स पार्टी में मोटी समझी पीपुल्स पार्टी से मूल सा वोट करे थी तू एंटी सिंध को नवाज शरीफ से गड वेठा मीसा कक तदा नवाज शरीफ की हवाला था सही केटी बंदर खत्म कई सही फलानो कर तो इन सभी के तद खबर न होंगी जैसे नवाज शरीफ से अलायंस कंदा या अज जिनसा अलायंस कन था उन सिंध के दिनों क्यू लीग से वेठा मानू के खबर ना क्यू लीग 10 साल कैंसा हुई जैसे खिलाफ इन 10 साल कैंपेन के कातिल लीग पा सड़न उन वक्त मुझे यो समझ में नी अचे इन लॉजिक नेशनलिस्ट इतिहाद कन तो नवाज शरीफ खराब आ नवाज शरीफ खराब आ तो एब्सोल्युटली खराब हों वो तहला खराब तहां सा गड़वे तो सुठो बियन सा गड़वे तो खराब इक्तदारी सियासत में उसूलन की सियासत में फर्क ता है ना पीपुल्स पार्टी हमेशा इक्तदारी सियासत की है जमे को दायमी दोस्त या दुश्मन ना यो यो उनन जो चवन है सबनी जेके भी इक्तदारी पार्टी वो बियन ला भी हगन मन तो असा दा जके दावा दा कंदा था उसूलन की सियासत ता करी उसूलन वाली गाल हां तो समझाता उसो मा एकड़ी गाल गुजारिश किया जेकर ता मुखा पूछो ना उसूल हिक्का मजे नजर में सिंध जो इंटरेस्ट सिंध की जोग्राफी वहदत नवाज शरीफ बीह उन अलायंस कर घुर्ज पीर पगारो बीह उन अलायंस कर घुर्ज एग्जैक्टली तो चवान नेशनल काज के डिफाइनिंग फैक्टर ठाओ बाकी प्रिंसिपल्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वैल्यूज से थी कान सी दुनिया में नसीर साहब इतने यूटर्न इंदो हमेशा जी लाहौर हाईकोर्ट जो फैसलो आया कालाबाग डेम तक याद आए दिन के अंदर तो उठान घुर्ज तो एकदम नवाज शरीफ की पोजिशन बैकवर्ड थी वही तो सिंध के अंदर कॉम्प्रेसन लाइक वो सवाल तो अची वे पुरानी गाल मतलब है तो वो मतलब जो है तो सिंधी कॉम्प्रेस पान जी एक थर्ड फोर्स तौर पर अचे बीहन ए पान के मंझान तो सूदमंद हों या आइडियल सिचुएशन है पहली गाल क्या लाहौर हाईकोर्ट जो फैसलो पंजाब गवर्नमेंट जो फैसलो को सही है कोर्टू पैं तौर फैसला दियन थी पर ये बदकिस्मती आ रही है जो शहबाज शरीफ जो शहबाज शरीफ बयान दिनो तो इंप्लीमेंट के ये त पाण में बैठायो पीपल्स पार्टी पंजाब करे मुखालफत की है या कालाबाग डैम जी देखो पीपल्स पार्टी पंजाब आई शहबाज शरीफ तो आज करे स्ट्रेंथ पॉलिटिकली दिसंदो नून लीग में नवाज शरीफ आई शहबाज शरीफ माने एकड़ी शय थी ना आ शहबाज शरीफ जो को बयान दे आई राजा रियाज दे उनमें वो फर्क हो जमीन आसमान फर्क मां ही गल तो क्या पीपल्स पार्टी कौमी ऑर्गेनाइजेशन है ना एकड़े पास अचे थी तो कालाबाग डैम असा दफन कर छोड़ा एडी वही दवा है सही तो उनको पंजाब चैप्टर भी इं गाल करे ना इं नो पो थे ये तो ऐसो पॉलिटिकल कंटेक्स में डिसीशन मेकिंग ये कान थी असा सब समझू था न कोई हाईकोर्ट के हुक्म से कालाबाग डैम ठहणो है बिल्कुल ठीक है ये सब धुरू कें थी उनके एक्सप्लाइट कन पर जाहिर पॉलिटिसाइज थे तो मामलो पॉलिटिसाइज सब इशूज थींदा वो तंजा कैंपेन इलेक्शन भी जेचे पो तंजा नवा नवा सियासी तलो नसीर साहब टाइम जो ब्रेक जो नाज़रीन असा कोशिश कंदा ब्रेक का
जगह नसीर साहब गाल कई तो सिंध एजेंडा छा होजन खपे उन में एकरो तो सा नेशनल इश्यूज आइन सिंध जी वहदत है जोग्राफी है सकाफती हकन की गाल कई नसीर साहब उन गड जे बया प्रॉब्लम्स आइन तालीम है सेहत है बुनियादी जो स्ट्रक्चर है असो उन रोजगार जहाँ वसीला सनतूँ उ सब शून ते चाहस तो उन्हें अना जो नसीर साहब रोशनी वही सन सो अस ब्रेक से वह ब्रेक का वापस अची इन शे के वजात से पेश करने की कोशिश कदी अस रहो वेलकम बैक नाजरीन नसीर साहब तुम गाल तो कई हाँ बुनियादी शूँ तुम बुदायूँ तो होजन खपन सिंध एजेंडा होजन खपे हाँ उनके मुझे ख्याल है वजात से भी पाने गल खे एक प्रोग्राम में तो जाहिर सब शूँ वाजे भी नी सकन पर असा वट कुछ अर्सो बहस फैलो तो कि तब्दीली अचे कि मू ग थियन कि उम्मीदवार मुझे ख्याल में उम्मीदवार आने वाली गाल उन हद तक मुतफिक को बाकी यो जरूर मुझे ख्याल करें खपे कॉम्प्रेस पार्टी पई जाए थे सिविल सोसाइटी जी एडी वही हाँ सिंध में सामू आई है हर तक में जैसे सिविल सोसाइटी कोशिश करे अठ दह मू एजेंडा इन रुगो मानून तई पहुँचाणो है ना जाहिर टीवी चैनल भी पो किरदार अदा कह प्रिंट मीडिया वो भी कहीं प्लस सिविल सोसाइटी जो इनमें किरदार हों उनके करें खपे इन एजेंडा के वाले तो बटे कम करने की जरूरत है तो मीडिया वीडिया सब सिविल सोसाइटी मैं सेपरेट समझा ही ना एक पॉलिटिकल सोसाइटी भी सिविल सोसाइटी है पर्यों कम यो थे तो सिंध एजेंडा जा कुछ पॉइंट्स किथे ड्राफ्ट थियन सही जी गुजारिश कई पर यो थाट आधिक बेहतर दिमाग सिंध में वेठा उनका आइडिया अची सकन सिंध की जोग्राफिया वे वहदत से कोई कंप्रोमाइज न हो सिंध की जो थ्रेटन डेमोग्राफी आ उन्हें के वधिक एग्रेवेट कंदर खराब कंदर को भी प्रोजेक्ट ज़ुल्फ़िकार आबाद वगैरह इन किस्म जहाँ प्रोजेक्ट वो एक्सेप्टेबल ना सिंध में उन सा गड ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन की स्ट्रीम आ इंडस से डाइवर्शन न थे ठीक है सिंध जहाँ जो नेचुरल रिसोर्स उन्होंने फर्स्ट राइट सिंध जो तस्लीम किया ऑयल आ गैस आ कोल आ ये प्योरली सिंध गवर्नमेंट जहाँ फंक्शन होजन घुर्जन में कें भी वफाकी इदारे की मुदाखलत पॉलिसी एक ग्लोबल शे थी नेशनल लेवल तो बी गाल पर असि मर्जी का सवा हाँ नठान घुर्जे सेट आ पॉलिटिकल इशू जो बिहार सोशल सर्विस डिलीवरी से सिंध जो को भी स्कूल बंद न हो यो भी सिंध जो वे में एजेंडा पॉइंट है अड़ी तरह तिंध की हेल्थ आउटलेट्स से गाल पूरा डिटेल एजेंडा ठान घुर्ज बेसिक हेल्थ यूनिट बगैर डॉक्टर के पे दवाओं या म्यूनसिपल सर्विस या म्यूनसिपल सर्विस पूरा शहर वहां तमाम लगा पे हैं करोड़ सिदो कोने करोड़ सिदो कोने कोई यूनिवर्सिटी बंद न थन ये जे कन वो मानु मेरिट के बायपास कर यूनिवर्सिटी जो सबरा न थे मतलब मेरिट जी गाल मेरिट जी गाल स्टार्टिंग विद आम नौकरी हां सिविल जका सिंध जी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आ है उन खा सवा 11 ग्रेड का मते का भर्ती न थे न गुर्जे उन ते जो सियासी दबा है खुद कमीशन ते हाँ उतारा जरा तो उनके इंडिपेंडेंट करियो ना बिल्कुल आई पियो जो को है तो एतान सो मुल्क में एग्जांपल भी है फेडरल सर्विस कमीशन जो है वो केतरो बेहतर परफॉर्म दी करे यही इदारा है मुल्क में पंजाब जी पब्लिक सर्विस कमीशन बेहतर दी करे एग्जैक्टली हलंदा रहा है अच्छा उन खा पो समझे एटलीस्ट हर डिविजनल क्वार्टर में एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप थी माने यो को पूरा इकोनॉमिक पॉलिटिकल आई सोशल राइट्स से इन ट्रेंड डायमेंशंस से मुश्तमिल को एजेंडा ड्राफ्ट थी सके जो को बुनियादी जो को असा हक है हर शहरी जो तो अमन सा हो जे उन जो सेफ्टी सिक्योरिटी तहफुज हो जे सही ता मिसाल तो रसो ना बाकी रहे पुलिस सही जो जो को इदारो है उन्हीं जका हियर तबाही है एग्जैक्टली वो आप इने करे मा चांदो तो सबनी बुराइन जी जका मदर इल है वो है ता जने मेरिट के सोसाइटी मा निकाली दे छरिंदो वो कोब इदारो परफॉर्म ना करो ना इल मू इदारा हल्दा सिस्टम्स के रूल कंदा तो जन में अहलियत भी न होंगी पॉलिटिकल विल भी न होंगी कमिटमेंट भी न होंगी पुछाणो भी न होंगे तो इदारों के कड़ो असर कह यो ही कह सिंध जो थो पो सो इन इन किस्म की चेंज जो एजेंडा होजन घुर्ज शॉर्ट टर्म मेयर्स हो लॉन्ग टर्म हो प्रॉपर डॉक्यूमेंट ठाणो पव तो उनके मेन स्ट्रीम कजें उनते सजी सिंध में डिबेट थे शुरू थी वे सिविल सोसाइटी उनते इजलास करे तवां जड़ा मीडिया जा दोस्त उनके हाईलाइट कन जिते भी को उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन में वे तो पहिरां सिंध एजेंडा जो पनो उनके हथ में खणाइजे तो ही साइन कर इन तो गाल इन अवामी शऊर के कंसेंसस के एडो मथी लेवल से खी अचो पव
ऐं उहो ज़ाहिर आहे जेकर 50,000 माण्हुनि मां 50 माण्हुनि बि इहा ॻाल्हि करणु शुरू कई न त फासी वेंदा ई हमरा। हींअर 50,000 मां 5 माण्हू बि इहा ॻाल्हि नथा कनि, कनि था असां तव्हां जहिड़ा माण्हू टीवी प्रोग्रामनि ते कनि था। न पर नसीब साहब, इन हवाले सां इहो आहे त हाणे पर इहा इन ॿिलीअ घिणी ॿधे केरु, मतिलबु इहो कमु शुरू केरु करे? ॾिसो, शुरू कई कम अहिड़ा थींदा आहिनि जिन ते सोसाइटी में ग्रेजुअली कंसेंसस बिल्ड थींदो आहे। तव्हां शुरूआति करे चुका हुआ, मां सम्झां थो। कुझु माण्हू राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स पंहिंजे तौरु सोचनि ऐं ॻाल्हाइनि था, उहा शुरूआति तव्हां लिखियो पिया, मूं हुन ते लिखियो पियो आहे, लिखियो पिया त ईअं इंडिविजुअल एक्ट थिया आहिनि नंढा नंढा। हाणे उनखे हिकु डायरेक्शन में खणी वञण जो सही टाइम आहे, असांजो जीअं इलेक्शन कैंपेन जो टाइम ईंदो न त सोसाइटी जे अंदरि इन जी नीड वधीक उभरी ईंदी ऐं पोइ असां सभु गॾिजी इनखे खणंदासीं। इनखे एतिरो स्ट्रांग वॉइस करे छॾियूं जो माण्हुनि लाइ मुश्किल थी वञे त इन शइ खां डेविएट करे सघनि। जीअं बंगलादेशी मूवमेंट में अवामी लीग जे कंहिं कैंडिडेट लाइ मुश्किल थी पियो त 6 नुक़्तनि खां हटी करे कॉन्स्टिट्यूशन ठाहिण जी ॻाल्हि करे सघे। इहो तमामु वॾो एग्ज़ाम्पल आहे, इहो तमामु वॾो एग्ज़ाम्पल। सोसाइटी इलेक्शन जे अंदरि बिल्ड थींदा आहिनि, असां कलाक अकेडमी ते कंसेंसस बिल्ड कयो आहे, बिल्ड कयो आहे, ईअं करे सघिजे थो। न पर तव्हां ॾिसो, हाणे ठीकु आहे, एजेंडा उहो डिस्कस बि थियणु खपे, उन खां पोइ माण्हू ताईं पहुचे बि, ड्राफ्ट थिए, सभु हर हर शइ आहे। उन ते उमेदवारनि खां तव्हां भले वाइदा बि वठो, उन ते अमल कीअं थींदो? हा, असां ॾिठो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मंशूर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाण ॾिनो। हीउ त डॉक्यूमेंट हिकिड़ो अहिड़ो आहे जेको आवाम ॾींदी, दानेश्वर तबिको ॾींदो, सिविल सोसाइटी ॾींदी ऐं पोलिटिकल पार्टीज़ खे चइबो त हिन ते तव्हां अमल करियो ऐं थी सघे त उहो फ़िलहालु हाकार बि कनि। पर उहो डॉक्यूमेंट जेको पार्टी पाण ॾिए थी, उन ते पार्टी पाण अमल नथी करे, उनजो उबतड़ कमु थी करे, त पोइ उन सूरत में तव्हां इहो ॿुधायो त असां एजेंडा ॾियूं सही, उन ते इम्प्लीमेंट कीअं थींदो? जेको पाण ठाहिनि था उन में जीअं त अवाम जो दख़ल कोन्हे, तंहिं करे उन तां फिरणु सवलो थो थी पए। जेका शइ अवाम लिखंदो, जेको पेपर ठाहे सो पेपर चेक करे, सही जवाबी कापी उन वटि वञे, ठीकु आहे। मूं तरह ॻाल्हि कई, पुछाणो अमल कीअं थींदो? अमल थींदो पुछाणे सां, बिल्कुलु। जंहिं इतिहाद ऐं यकजती सां माण्हू हिन एजेंडा खे प्रोमोट कंदा, उन ई इताद सां सिंधी माण्हू गॾिजी घिटी घिटीअ में ॾिहाड़ी जे बुनियाद ते हिकु हिकु माण्हूअ खटियल ऐं हारायल खां हिनजो पुछाइणु शुरू कनि। कीअं मुमकिन आहे हिकु कैंडिडेट लाइ इलेक्शन खटण खां पोइ कराची ऐं इस्लामाबाद में मुस्तक़िल त न वेही रहंदा, वेंदा न घरनि में, घिटियुनि में, ताज़ियतुनि में, प्रोग्रामनि में, मेड़ाकनि में, अदबी फलाण सौ जाइनि ते निकिरंदा। असां सिर्फ़ु माण्हुनि खे एतिरो अवेयर कयूं जो उन सव जे मेड़क में एटलीस्ट को हिकिड़ो थी बि चए त साईं तव्हां हीउ साइन कयो, हिन जे फलाणनि शयुनि ते छा थियो असांखे ॿुधायो। नसीर साहब, वेझे माज़ीअ में जीअं आदमशुमारी मोहम अली, त उन में सिविल सोसाइटी, पोलिटिकल पार्टीज़ अवेयरनेस लाइ वॾो किरदारु अदा कयो, पर उन जे बावजूद बि उहा उन तरह जी मोहम हेठी सतह ते न ई जेका तव्हां ॻाल्हि था कयो, त मसलनि जीअं माण्हू ठाहिनि, उनखे प्रोजेक्ट कनि, या अॼु ॾिसो सिंध जे अंदरि वोटर लिस्टनि जी तस्दीक कराची में हले पई, फ़ौज जी निगरानी वग़ैरह वाट एवर, पर उन जे बावजूद बि काफ़ी उन में इशूज़ आहिनि, त उहा हिकिड़ी पसीर आई, उहा बिल्कुलु जीअं चइजे न हिकिड़ी हेठी सतह ताईं मामिलो, उनजी ओनरशिप कोन्हे का, त उहो त हिकिड़ो वॾो लार्ज स्केल कमु आहे। ॾिसो, आदमशुमारी वारे मामले ते त मां सम्झा थो त ओनरशिप ॾाढी वाज़े आहे ऐं उहा आदमशुमारी जा प्रिलिमिनरी आंगन अखरनि ते आदमशुमारी ब्लॉक लॻी पिया। हिनखे ताक़त न आहे जे आदमशुमारी सिंध में ज़ाहिर त कनि, ऑफिशियली नोटिफाई त करे ॾेखारनि, हिननि खे ख़बर आहे त घिटियुनि में घुमणु ॾुखियो थी पवंदो। तंहिं करे मां सां त उन कंसेंसस ते रिज़ल्ट ॾिनी आहे, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तव्हांखे रिज़ल्ट ॾिनी आहे उनजे ख़िलाफ़ एलिगेशन। ज़ाहिर आहे, वन यूनिट जहिड़ो बुत ठाहिण ड्राहिण में तव्हांखे टाइम लॻी वियो, हीउ कानून ज़बरदोस सां 3 मिंटनि में ज़बरदस्ती पास कराए विया राति जो ऐलान करे, पर ॾेई ॾेखारींदा 6 ॾींहनि जो नोटिस न माण्हुनि खे, हाणे तव्हांखे लिखी थो कानून सिंध में न हलंदो, हीउ करे वञनि, सुभाणे 100% हुकूमत तव्हां हिननि खे ॾेई छॾियो, हीउ न हलाए सघंदा। हिकिड़ी कैंपेन त हलाए ॾेखारनि, ही इहो चूंडुनि खे पंहिंजे सक्सेस स्टोरीज़ जेका इश्तिहार में त ॾेई ॾेखारनि, 36 इश्तिहार पिया था हलनि टीवी ते। ॿुधाइनि न, ज़ुल्फ़िकार आबादी लोकल बॉडी एक्ट असां छो था शामिल कनि, ताक़त ई न थींदी। उताजे दर साहिबु चवंदो आहे कंहिं जाइ ते हिकिड़ो इंटरव्यू मशहूरु आहे त नेक्स्ट इलेक्शन असां ज़ुल्फ़िकार आबाद ऐं लोकल गवर्नमेंट लॉ जे बुनियाद ते विढ़ंदासीं। इहा इलेक्शन कैंपेन कराचीअ जे पंहिंजे टाउन में हलाए सघंदो, कराची खां सोराबगोड़ खां ॿाहिरि सिंध जे कंहिं शहर में न वञी ज़ुल्फ़िकार आबाद जे लोकल बॉडी एक्ट ते इहा मोहम हलाई ॻिचीअ में पइजी वेंदसि। पर मां इहो थो चवां त जॾहिं अवेयरनेस एॾी मथी सतह ते हली वेंदी न, ऐं इहो असां तव्हां सभिनी जी ज़िमेर आहे त उन क्वेश्चन खे एॾो पावरफुल बनाए छॾियो, इहो असां तव्हांजे लाइ चैलेंज बि आहे, त उन तां को हटी न सघे। बाक़ी ज़ाहिर आहे, 50 पॉइंटूं एजेंडा जो हूंदियूं, 50 जूं 50 6 महीननि इंप्लीमेंट कोन थींदियूं, असांखे रियलिस्टिक थियणो पवंदो। समाज में इहे सवाल बदल तब्दीली जा सवाल वॾो वक़्तु खाईंदा,
पर सफर शुरू थे ना मतलब ताज जो चौथ आयो तो एवरो जामे प्लान है ने के थोड़ो समराइज करने की जरूरत है इनके सजो ठाए ठुके मानन ते पहुंचानी जरूरत है हेठी सत्ता दे वनी उन ओनरशिप हर तरह हफ्ता हर तब के जी हुई पॉलिटिकल सोसाइटी बाकी जगह तबका एंड मीडिया व्हाटएवर सोसाइटी उन्हें में एक इमीडिएट एक लॉन्ग टर्म रखी सकता था ना हजारा जना गाल तो कहन 50 नुकाती हो जाए हुजन तो बिल्कुल मुख्तसर हो जाए 8-10 नुकतन का मथे ना हो जाना मजा तो पर उ सब ओवरनाइट ना तो असा चौदह समझो को भी स्कूल बंद न होजे असा खबर है तो हुकूमत चेंज थे बेरी ये कौन थी भले मुझी हुकूमत चेंज कौन थी तुझी हुकूमत चेंज को वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कुछ शूं अनकम्प्रोमाइज हूँ सिंध की वहदत अनकम्प्रोमाइज क्वेश्चन है सो उन वर्किंग नसीर साहब एक बार सिविल सोसाइटी के जाहिर है एजेंडा ठाण खे पर अस भी सियासी पार्टियां जे अचन प्यूँ इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेन में इंदू उन पुछन खे ना सिंध लाइ एजेंडा कड़ी है सिंध लाइ इतार में अचो था तो तुम कौ सिंध लाइ असें एजेंडा भले ठाकुर उन्होंने एजेंडा वन खे अस अता जैसे मैं एजेंडा की गाल तो क्या तो यह सिंध एजेंडा है सिविल सोसाइटी एजेंडा कान तेरे तक मुख्य सिकंदर के जैसे भी इन कम करो उनके सभी धुरन से बुधो ओ सलाह मशवरो करो पवो ये ना है तो असा को सिंध जहा वाहिद रिप्रेजेंटेटिव तुम या को भी मूँ को बिल्कुल तेरे इो जैसे एजेंडा ठहो तो इनके पुठा को कंसेंसस तो होंद न सिंध जो ये जो पार्टीज उनमें रोल हों एजेंडा हली न सो अच्छा ये इवॉल्व थी ये ना तो सुबह पंफलेट ठाबो पर एजेंडा ठपो लगी वो हि कंसेंसस बिल्डिंग जो प्रोसेस है अज तक डॉक्यूमेंट लाइन चार मूल चाह फलानी मतलब एजेंडा नसीर साहब इनमें सिंध के हर गोठ में शहर में तहल के हेडक्वार्टर में जिले हेडक्वार्टर में हर हंध इन शे डिस्कशन हाँ मुझे ख्याल शुरू थियन खन सब सब जो भी सिंध ला सोचिंद दुरियन उनके किरदार अदा करें ये मौजू अड़ो वो है जो उनके प्रोग्राम में तो जाहिर पा ना मुकम्मिल तौर उन सहेड़े सकूँ प्रोग्राम जो टाइम खत्म भी थे चाहस बे कें प्रोग्राम में बीहर तरह इन ही इशू से असिक रहनुमाई वूँ जे तवजा ख्याल जो तुम कम किया सोचो था इन हवा तो वो असाई नाजरन तीन पहुंचे न मुझे ख्याल है तमाम बेहतर शुरुआत आ जहाँ इंदर इलेक्शन आगे में नसीर साहब उनके वाजे तौर लिखो भी अज गए बो स्टार्ट किया इंशाल्लाह इन सीरीज के हलाइंदी जे भी सिंध दोस्त मूँ जो विजनरी मूँ जो गालन था सोचन था जो गाइड कर सकन था तो उन्होंने गाल घुर्ज सोचने की राह दियन घुर्ज आम मूँ के उनते हलन घुर्ज मुझे ख्याल अथा इन सिलसिले के जारी रखना घुर्ज इंशाल्लाह कोशिश कदी इन मामले के इन सीरीज से अ प्रोग्राम में पेश क्यों नाजीन तुम गाली चाहूँ था सिंध एजेंडा जो इंदर चूंड लाइ हुजन खपे उन लाइ असा भी इतने कोशिश क्यों पाया सिंध जहा मू जे जे सोचींद तबको है सियासी पार्टियां हैं सिविल सोसाइटी जहाँ नसीर साहब चो तो जैमें मीडिया शामिल है बे मुख्तलिफ़ समाज जहाँ तबका उस्ताद असा इंजीनियर डॉक्टर वकील तबको है सभी के इन हवाले से जरूर सोचन खपे तो जो इंदड़ जो चूंडू हैं उनमें कुछ न कुछ सिंध की भलाई ला के कदम खड़ी सकजन को सिंध में तलीम सेहत तहफुज वो जो इशू है या सिंध की वहदत वो सवाल है उन सभी के हवा से अस को कुछ अग भरा सकूँ इंदड़ प्रोग्राम तीन तारा राजड़ के सिकंदर के दिनों इजाज़त अल्लाह भाई।